अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कटहल के कबाब बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारी 250 ग्राम कटहल थी और छीलने के बाद ये इतनी रह गई है। सबसे पहले मैं इसे उबाल लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें और 3 सीटी लगाऊंगी। देखिए, ये थोड़ा सा अदरक और इतना लहसुन लिया है मैंने। ये 6-7 मिर्च ली हैं। पहले मैं इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ। पेस्ट बनाकर थोड़ा सा पानी डालकर, 1 कप पानी डालकर उबाला था मैंने कटहल को। देखिए, बिल्कुल गल गई है हमारी कटहल। और हमारी कटहल ये बारीक वाले बीजों की है, जिसमें मोटे बीज होते हैं उनके तो केड़े केड़े छिलके होते हैं, इनके सॉफ्ट हैं छिलके। वो केड़े छिलके मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है कटा हुआ, 2 छोटे साइज़ की प्याज है ये, थोड़ा सा गर्म मसाला है, और ये 2 बड़ी लंबी मिर्चें काटी हैं। और ये जो अभी आपको दिखाया था मैंने, अदरक लहसुन और मिर्च ये कूटा है, नमक ये लिया है मैंने, और ये बेसन है, 2 अंडे। सबसे पहले मैं इन्हें बारीक कर लेती हूँ। देखिए, आप किसी कटोरी या चम्मच की मदद से, और आपके पास जो इसे ऐसे करने का होता है अगर वो हो तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। मेरे पास नहीं है तो मैं इसे कटोरी से इस तरह से कर रही हूँ, आराम से हो जाता है ये। मेरे पास मिर्ची कटर था जो टूट गया है, वरना उससे अच्छा और कुछ नहीं है, उसमें बहुत अच्छा हो जाता है बिल्कुल एक साथ। देखिए, ये हमारा हो गया है, दूसरा मिर्ची कटर मंगाऊंगी मैं। और अब इसमें मैं ये चीज़ें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें बेसन डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं। पहले मैं देखूंगी इसमें कितना एडजस्ट होता है। और डलेगा इसमें, सारा डाल लेती हूँ मैं। ये देखिए हो गया है हमारा। अब मैं इसमें अंडा तोड़ लेती हूँ एक। इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिलाऊंगी इसे। देखिए, तैयार हो गया है हमारा। एक अंडा मैं तोड़ लेती हूँ अलग से। नींबू डालना मैं भूल गई थी, मेरी भूलने की बहुत ज्यादा आदत है। अब मैं इसमें नींबू निचोड़ के मिला लेती हूँ। देखिए, इतना तेल लिया है मैंने। अब तवा रख देती हूँ मैं चूल्हे पे। तेल गरम हो गया है देखिए हमारा। और पन्नी, ये देखिए, ऐसे मैंने इसके अंदर करके इसे एक सार कर लिया है। और अब मैं इसे उठा के हाथ पे आ गई है देखिए मेरे। अब मैं इसे अंडा डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, सारे में फैला लिया मैंने। अब मैं इसे आराम से तेल में छोड़ देती हूँ। तो मैंने फिर से तेल लगा लिया है और यहाँ अपना कंगन रख लिया है ये। और अब फिर से मैं इसके अंदर ये रखती हूँ मसाला हमारा, घी में। देखिए, और अब इसे इस तरह से उठा लूंगी मैं। इस तरह से हमारे एक साइज के कबाब आते हैं। और अब मैं इसे हाथ से इस तरह से फैला लूंगी मैं। इसी तरह से मैं सारे कर लूंगी और अब इसे पलट लेती हूँ। अंडा लगाने से इनमें बिल्कुल गोश्त का ही जायका आता है। ऐसे ही मैं सब बना लेती हूँ। देखिए, 3 टिक्की डाल ली है मैंने, ये रही, बहुत आसानी से इसके ऊपर ये लग जाता है। देखिए,
हाथ से फैला लें। अब मैं इधर से पलट लूँगी इसे। अब तो ये इतना सॉफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हम इसकी टिक्की सेक लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ये रहा कितना अच्छा हो गया है। गैस तेज़ कर लेती हूँ, मैंने हल्का कर रखा था। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे कबाबों पे। और ये चीज़ जो है ये तो बहुत सॉफ्ट हो रही है इसका मसाला, और जब हमारे सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे हो रहे हैं कबाब। देखिए व्यूअर्स कितनी अच्छी हमारी टिक्की बनी है, और 250 ग्राम कटहल में से हमारी 9 टिक्की बन गई हैं आराम से। और अब अली खाकर बताएगा ये कैसी बनी है। मम्मा जी बहुत अच्छे। खा तो लो बेटा पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।